हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आश्रम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर करने वाले हैं, जो कि क्लास 11th एनडीए एयरफोर्स एंड नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और हम इस चैप्टर में आज की इस वीडियो में ऑर्डर्ड पेयर, कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ तो आप लोगों को इसका पीडीएफ आश्रम एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो उसका आश्रम एकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाइए और आश्रम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग आज क्या करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग सबसे पहले ऑर्डर पेयर को पढ़ेंगे, फिर कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन सबसे पहले पढ़ेंगे फिर फंक्शन पढ़ेंगे। लेकिन रिलेशन को समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि ऑर्डर्ड पेयर कहते किसे है। ऑर्डर्ड पेयर, जैसे कि इस एक ऑर्डर पेयर ये हो गया, ये एक ऑर्डर पेयर हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया, इसी को कहते हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा कि कौन, क्या ये और ये इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, इसी चीज़ को समझना होगा ऑर्डर पेयर में। फिर कार्टिजियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे कि दो सेट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने सेट्स चैप्टर का वीडियो जो है अपलोड कर रखा हूँ अपने चैनल पे। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है सेट्स थ्योरी, तो वो जा कर के सेट थ्योरी देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है, कंप्लीट चैप्टर मैंने सेट थ्योरी का अपलोड कर रखा है, जाइए और देख लीजिए। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट, अब हम सेट्स का प्रोडक्ट निकालना सीखे, कार्टिजियन प्रोडक्ट। अब उस कार्टिजियन प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, इस चीज़ को हमें जानना होगा। तो आज की इस वीडियो में ये तीन चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ये तीन चीज़ हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, रिलेशन को समझने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से समझना होगा। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन कहते किसे है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि अच्छा, हम इसे रिलेशन कहते हैं, एक सेट ये है, एक सेट ये है, और दोनों में हम लोग ऐसे करके रिलेशन जोड़ देते हैं, ये रिलेशन है। तो हमें समझना पड़ेगा कि डोमेन कौन सा है। जैसे कि ये मान लो डोमेन है, ये वाला रेंज है, तो किसे डोमेन कहते हैं, डोमेन को फाइंड कैसे करते हैं, ये सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे कि रेंज किसे कहते हैं, रेंज को कैसे हम निकालेंगे किसी भी रिलेशन का। और फिर हम देखेंगे कि कोडोमेन किसे कहते हैं, मतलब रिलेशन में जो कोडोमेन होता है वो क्या होता है, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद जब हम इतना चीज़ सीख जाएगी, ये तीनों निकालना, मतलब किसी भी रिलेशन में डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उसका कोडोमेन क्या है, तब हमें सीखना होता है इनवर्स, यानी कि 8 नंबर में किसी भी रिलेशन का हम लोग इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि उल्टा उसका कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जब इतना सीख जाएंगे तब हम, मतलब रिलेशन जो है अलग अलग टाइप का होता है, मतलब कुछ होता है सिमेट्रिक रिलेशन होता है, कुछ सिमेट्रिक रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, मतलब ये तीनों तो इम्पोर्टेंट है, और भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं, तो उन्हें भी हम लोग करने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन का जो प्रॉपर्टी होता है उसे देखेंगे। इतना सब होने के बाद फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं, फिर हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, फिर हम क्या देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। रिलेशन कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का क्या मतलब होता है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का मतलब होता है कि एक सेट ये है, एक सेट ये है, और एक सेट ये है, इस सेट का इसके साथ संबंध, इस सेट का इसके साथ संबंध, और फिर डायरेक्ट इस सेट का इसके साथ संबंध बना लेना, यानी कि रिलेशन बना लेना, उसी को कंपोजिशन ऑफ रिलेशन कहते हैं। इसे भी हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे।
ठीक है, तो इतना करने के बाद हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, जिस प्रकार रिलेशन में देखे थे रिलेशन का डोमेन, फिर रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने तरह का होता है, वन वन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ये कुछ टाइप्स है फंक्शन के, ये सब चीज़ हम लोग करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कुछ प्रॉपर, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन, मतलब कुछ ऐसे फंक्शन है जिसे हमें डायरेक्ट माइंड में याद रखना चाहिए, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ये हो गया मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना होगा, और साथ ही साथ हम इन इन फंक्शन का डोमेन और रेंज जो होता है वो कुछ याद करके ही रखना पड़ता है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये सब चीज़। इतना करने के बाद हम फिर जब हम फंक्शन का टाइप्स देख लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो देख लेंगे, तब हम सीखेंगे फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। इतना इन्वर्स निकाल मतलब इन्वर्स ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन का इन्वर्स किसे कहते हैं, पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे और फिर देखेंगे मेथड, मेथड टू फाइंड इन्वर्स ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन को कैसे हम इन्वर्स उसका निकाल सकते हैं उसका मेथड सीखेंगे। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी होता है फंक्शन को वो देख लेंगे, और लास्ट में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जैसे कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन यहाँ पे है उसी प्रकार कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी होता है, इसी तरह से उसे देखेंगे और हमारा फंक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, और उसी के साथ हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और छोटा छोटा वीडियो होगा 10 से 15 मिनट का, और ऐसे ही मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ तो उसमें यह पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है अपना चालू करते हैं हमारा जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर, कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टीजियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर पेयर को समझना होगा, तो चलिए ऑर्डर पेयर को समझते हैं क्या होता है ऑर्डर पेयर। देखिए ऑर्डर पेयर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, अब इसे समझिएगा। जैसे कि हमारे पास दो एलिमेंट है, एलिमेंट पता होना चाहिए आपको किसे कहते हैं, ये मैंने सेट में बता दिया था आपको, ठीक है। एलिमेंट, एक एलिमेंट है ए और दूसरा है हमारे पास बी, ठीक है, ये हमारे पास दो एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना उसी को हम ऑर्डर पेयर पेयर कहते हैं। अब ये एलिमेंट है इसको हम इस ऑर्डर में रख दिए ए कोमा बी, ठीक है, अब फिर एक जगह हम इसी को हम ऐसे रख दिए बी कोमा ए, ये एक पेयर बन गया, ये क्या बन गया, एक पेयर, मतलब दो एलिमेंट था हमारे पास ए एंड बी, दो एलिमेंट था, इन दोनों को मैंने क्या किया एक ऑर्डर में रख दिया ए बी और एक जगह बी ए। अब ये ए और बी जो है एक पेयर बन गया, ठीक है, और एक पेयर बन गया बी कोमा ए का। अब ये दोनों पेयर जो है आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना, कब, ए इज नॉट इक्वल टू बी, जब ऐसा है तब, जब ए और बी जो है इक्वल नहीं है तो ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो एलिमेंट था उसे हमने क्या किया ऑर्डर में रख दिया, और उसे ऑर्डर में रखने को ही हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। अगर मान के चलो हमारे पास तीन एलिमेंट होता ए बी एंड सी, तो हम क्या इसे भी ऑर्डर में रख सकते थे ऐसे ए कोमा बी कोमा सी, तो रख सकते थे कोई दिक्कत नहीं, तो इसे भी हम ऑर्डर पेयर, लेकिन पेयर का मतलब होता है जोड़ा, पेयर का क्या मतलब होता है जोड़ाई, लेकिन ये क्या हो गया ट्रिपलेट हो गया, तो हम इसमें पेयर इसे नहीं कह सकते, है ना, लेकिन अगर हम ऑर्डर में रखना चाहें तो हम इसे ऑर्डर में ऐसे रख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर कहे, पेयर मतलब दो, दो का जोड़ा लगाना, तो हम ए और बी को ही लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे कि ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं, मतलब दो एलिमेंट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना ही ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, और उसे डिनोट किया जाता है ए कोमा बी से। मान के चलो वो दोनों एलिमेंट ए बी है, अगर दोनों एलिमेंट एक्स वाई होता तो उसे एक्स कोमा वाई इस फॉर्म में हम लोग रख देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज समझना होगा
क्या सोचे कि a, b जो होता है वो इक्वल नहीं होता है किसके, तो b, a के। ये चीज़ पहला आप समझ लीजिए, a, b जो है वो b, a के इक्वल नहीं है, ये और ये बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। ये अपने जगह पे है और ये अपने जगह पे अलग है। दूसरा चीज, अगर a, b ये इक्वल है c, d के, तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो किसके बराबर है, c के बराबर है, ये वाला एलिमेंट इस वाले के बराबर है, ठीक है। और b जो है वो बराबर है किसके, d के बराबर है, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर है, अगर a b बराबर c d है तो। अब देखिए यहाँ पर a और b, a b जो है b a के इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b, a जो है वो नहीं है बराबर किसके, b के, इसीलिए ये वाला जो है बराबर नहीं हुआ, और b जो है वो नहीं है इक्वल किसके, a के, इसीलिए यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं हुआ। अगर ये इक्वल होता तो a जो है b के बराबर हो जाता और b जो है वो a के बराबर हो जाता, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं। ऑर्डर पेयर कहते हैं किसी भी दो एलिमेंट को एक ऑर्डर में लगा देना और ये बन गया ऑर्डर पेयर, ठीक है। चलिए अब हम आगे का देखते हैं। अब हम देखेंगे कार्टीजियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। देखिए किसी भी सेट का कार्टीजियन प्रोडक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को समझिए। अगर मान के चलो आपको एक सेट दिया गया है a, b, c, ये सेट a है, और एक सेट आपको b दिया गया है 1, 2 और 3 का, ये सेट दे दिया आपको। अब कह रहा है कि सेट ए और सेट बी का प्रोडक्ट निकालो, यानी कि ए क्रॉस बी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, इसी को ए क्रॉस बी को ही हम प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं, और उस प्रोडक्ट का नाम होता है कार्टीजियन प्रोडक्ट। जब सेट का गुना करते हैं तो उसका नाम होता है कार्टीजियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन इनफिनिटी सेट, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a, b सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। अब हमें ये सब छोड़िए, आप यहाँ देखिए ए इतना दे दिया, बी इतना दे दिया, आपको कहेगा कार्टीजियन प्रोडक्ट निकालो। कार्टीजियन प्रोडक्ट बोले तो ए क्रॉस बी निकालो, तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है आपको, जैसा है वैसा लिख दो a, b, c, ए क्रॉस बी निकालना है अपने को, तो क्रॉस ए के जगह पे ये लिख दिया, बी बराबर क्या है, ये है, तो इसको यहाँ पे लिख दो 1, 2 और 3 लिख दिए। अब दोनों का प्रोडक्ट करो, अब आपको क्या देखना है, देखो पहले यहाँ पे ए है तो हम क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे, ए का 1 के साथ, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ हो जाएगा, उसके बाद बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ पेयर बनाते जाएंगे, फिर सी का ए के साथ, सी का बी के साथ और सी का 3 के साथ हम पेयर बना देंगे, उसी को कहते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट। देखिए कैसे होता है, सबसे पहले ए का करेंगे तो ए का इस 1 के साथ है, तो a, 1 ये बन गया आपका पहला पेयर, कोमा ए का इस 2 के साथ, तो a, 2 फिर तीसरा ए का 3 के साथ, इसी ए का इस 3 के साथ, तो a, 3 ये हो गया।
उसके बाद ए का अब कंप्लीट हो गया, ए का सबके साथ हो गया, बी का देखेंगे। इसी प्रकार अब हम देखेंगे बी का वन के साथ, बी का टू के साथ और बी का थ्री के साथ। तो बी कोमा वन का पेयर एक बन गया, फिर बी कोमा टू का पेयर एक बन गया, फिर बी कोमा थ्री का एक पेयर बन गया। इतना होने के बाद बी का कंप्लीट हो गया। अब सी का इसी प्रकार करेंगे, सी का वन के साथ, सी का टू के साथ और सी का थ्री के साथ। तो सी कोमा वन, सी कोमा टू, सी कोमा थ्री, ये कंप्लीट हो गया। तो ये जो हमारे पास निकल के आया, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए हम लोग, ये ब्रैकेट और एक ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का कैसे हम लोग कार्टेशियन निकालते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं किसी भी दो सेट्स का। तो समझ में आया होगा, एक बार और मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। एक सेट ए आपको दे देगा, एक सेट बी दे देगा और आपसे कहेगा कि अब आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, इस प्रकार से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दोगे। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भैया ये बताइए कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का इस रिलेशन से क्या मतलब होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन सबसेट होता है किस चीज का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब इसी में से कुछ कंडीशन बना देगा और इसी में से कुछ निकाल लेगा, मतलब कोई कंडीशन बना करके कुछ को निकाल लेगा और कहेगा ये रिलेशन हो गया। ये जो हमारे पास आया है, ये चीज़ जो हमारे पास आया है प्रोडक्ट करने के बाद, तो इसी में से दो चार एलिमेंट को बाहर निकाल लेगा और ऐसा एलिमेंट निकालेगा जिसमें कोई एक कंडीशन अप्लाई हो रहा हो और उसको क्या कह देगा, ये रिलेशन है। रिलेशन है किस में, ए का बी के साथ रिलेशन है। ए को डोमेन बना देगा, बी को रेंज बना देगा और ए बी में रिलेशन जोड़ देगा, तो उसी को रिलेशन कहने लगेंगे। रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का, इसीलिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स निकालना आना चाहिए। तो आई होप आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट अब निकालना सीख गए होंगे कि कैसे किसी भी चीज़ का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ये लिखा हुआ जो है आपको पीडीएफ में नहीं मिलने वाला है। बस ये जो हमारे पास देख रहे हो आप, ये आप लोगों के लिए ही लगाया गया है कि पीडीएफ में आप लोगों को ये मिल सके, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। चलिए इसे मिटाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते थोड़ा। अब मैंने आपको कार्टेशियन निकालना सिखाया, अगर मान लो मैं एक और सेट ले लेता हूँ कोई सा भी और एक बार और आपको निकालना सिखाता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालोगे। मान लो एक और ये दो है, ये ए सेट है, एक सेट बी है जिसमें क्या है, पाँच छ और एक और ले लेते इसमें सात। अब आपको कह रहा है कि एक क्रॉस बी निकालो, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी निकालो। तो क्या करोगे, एक क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब एक क्रॉस बी निकालना है। तो एक क्रॉस बी आपको निकालना है, तो अब एक क्रॉस बी लिख दिए तो ए बराबर अपना क्या है, तो वन टू है और क्रॉस बी बराबर अपना क्या है, तो फाइव सिक्स एंड सेवन है। अब इन दोनों को जैसे प्रोडक्ट करने के लिए बताया था वो कर लो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर एक का सात के साथ, मतलब पहला वाला एलिमेंट लिए और तीनों के साथ पेयर बना देंगे। तो एक कोमा पाँच का पेयर बन गया एक, कोमा एक कोमा छः का पेयर बन गया, कोमा एक कोमा सात का पेयर बन गया। अब एक वाला का काम खत्म, दो वाले का, दो कोमा पाँच, दो कोमा छ और दो कोमा सात, ये बन गया। तो आप अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। एक को उठाए पहले
और सबके साथ एक एक बार लगा दिए, फिर दो को उठाए और सबके साथ एक एक बार लगा दिए, ये अपना प्रोडक्ट निकल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं इसमें कुछ और बात आपको बताना चाहूँगा, देखिए क्या है वो। पहली बात ये कि देखो एक क्रॉस बी जो है वो बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के, मतलब ए क्रॉस बी जो भी हम निकाले उसी में अगर बी क्रॉस ए निकालते, मतलब कि इस साइड हमारा रहता 5, 6 और 7 और इस साइड रहता अपना 1, 2, तो इसका मल्टीप्लाई जो होता प्रोडक्ट जो होता वो ए क्रॉस बी वाले के इक्वल नहीं होता। तो समझ लीजिए ए के बी के साथ जब क्रॉस करोगे तो बी के साथ एक के साथ ए में करोगे तो वो दोनों इक्वल नहीं होगा। तो ये चीज़ आप अभी से गैट मतलब बांध के रख लीजिए कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहीं पे दे रखा है इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, हाँ ए है जो है अगर ए और बी इक्वल नहीं है, यहाँ पे ए बी लिया है इसका मतलब ए अलग है बी अलग है, ठीक है ना। अगर ए और इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है, तब जो है ना ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा बी क्रॉस ए के, अगर ए और बी बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो हम बी की जगह पे अब ए लिख सकते हैं, बी की जगह पे ए लिख सकते हैं, ये और ये तो सेम ही ना आएगा। तो इतना तो आप लोग समझदार हो, समझ ही गए होगे, ठीक है। ए इक्वल टू फाइव, बी इक्वल टू फाइव है तो देन डिफाइंड ए क्रॉस बी इक्वल टू बी फाइव होगा। ए और बी बराबर, जैसे कि यहाँ पे ए है और ये बी है, ए बराबर भी कुछ नहीं है फाइव है, बी बराबर भी कुछ नहीं है फाइव है, तो हमारा जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी वो भी क्या आएगा फाइव आएगा। जब ए बराबर क्या है एलिमेंट कुछ भी नहीं है भाई साहब, फाइव है, और बी बराबर फाइव है, जब दोनों को वो प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा फाइव ही ना आएगा। इतना समझ गए, इफ ए हैज एन एलिमेंट एंड बी हैज एम एलिमेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में क्या होगा, ये चीज एक इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे मैं समझा देता हूँ। अब जैसे कि मैं पहले एक एग्जांपल लूंगा आपके सामने, एक सेट है ए, ए बराबर 1, 2 हो गया, और एक सेट है बी, उसमें है ए और ये हो गया बी, ठीक है। अब हम कहते हैं आपको कि ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो, तो ए वाला इधर लिखोगे 1, 2 और क्रॉस बी वाला इधर लिखोगे ए बी। अब इन दोनों को फाइंड करोगे, तो अभी मैंने सिखाया था पहले एक का काम करेंगे, एक का ए के साथ एक का बी के साथ, एक कोमा ए फिर ए कोमा बी और फिर 2, A और फिर 2, B ये हो गया। तो अब एक चीज हम देखिए यहाँ पे कि ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये हो गया, एक ये 2, एक ये 3 और एक यहाँ पर 4, ये 4 आया। रुक जाइए इससे मैं थोड़ा बढ़िया से मिटा करके बनाता हूँ, एक बार इसका प्रोडक्ट जो है एक बार बढ़िया से बनाता हूँ, देखिए क्या निकल के आ रहा है। पहला ए कोमा ए, दूसरा ए कोमा बी, तीसरा 2, A और चौथा 2, B और इसको ब्रैकेट लगा कर दिए बंद। अब देखिए ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आया, 1, 2, 3 और ये 4 एलिमेंट आया ना। तो अब आप और यहाँ देखिए इस ए में कितना एलिमेंट था, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, इसमें कितना एलिमेंट था 2, इसमें कितना एलिमेंट है 2, है कि नहीं 2, ये आपको दिया हुआ है इतना। तो अब आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, ये नहीं देगा आपको, ये जो चीज़ है यहाँ पे दिया हुआ ये नहीं देगा, डायरेक्ट कहेगा
ए में दो एलिमेंट है, बी में दो एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, ये आपको जवाब देना है। तो इसका जवाब, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गुना में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। जितना भी एलिमेंट ए सेट में है वो लिख दो और जितना भी एलिमेंट बी सेट में है वो लिख दो और दोनों को गुना करो, आया चार। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, चार एलिमेंट होगा। देखो इसमें दो, इसमें दो, जब इसमें दो दो, दोनों को गुना किए तो एक दो तीन चार, चार आया ना। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पॉज करके वीडियो को ले सकते हो। तो ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक इसमें याद रखने वाला चीज़ क्या है तो मैं एक बार और लिख देता हूँ कि ए क्रॉस बी जो होता है वो इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। ये दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए मान के चलो ए में एम एलिमेंट है, बी में एन एलिमेंट है, तो एम इंटू एन कर दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में फाइंड कर लोगे आप लोग। बस ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, एक ये और एक ये, पहला ये और दूसरा ये, और ये रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब हम बढ़ेंगे हम लोग आगे, अब हम रिलेशन एंड फंक्शन का क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। वो प्रॉपर्टी क्या है देखो, पहला, तीन सेट है ए बी सी, इन तीनों में है, ए क्रॉस बी यूनियन सी जो है ये बराबर होगा किसके, ए क्रॉस बी, बीच में है यूनियन, यूनियन और ए क्रॉस सी के, ए क्रॉस सी के ये बराबर होगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यूनियन सी जो है, ए क्रॉस बी यूनियन बी क्रॉस सी है। अगर इसे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कर सकते हो कि देखो ए क्रॉस पहले एक बार बी के साथ कर दिए, ए क्रॉस फिर सी के साथ कर दिए, बीच में यूनियन था तो बीच में यूनियन डाल दिए, ए को एक बार बी के साथ गुना कर दिए, ए को एक बार सी के साथ गुना कर दिया, बीच में यूनियन था तो यूनियन डाल दिए। उसी प्रकार ये भी, ए को एक बार बी के साथ, बीच में इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन, और ए को एक बार सी के साथ, ये देखो। उसी प्रकार माइनस वाले में भी, ए को बी के साथ, बीच में माइनस है तो माइनस, और ए को सी के साथ। तो ये तो पहला कंप्लीट। अब इफ ए एंड बी आर टू सेट नॉन एम्प्टी, अब ए और बी दो सेट है उसके लिए ए क्रॉस बी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी जो है इक्वल है बी क्रॉस ए के, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए इक्वल टू क्या है, बी है। अगर ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होता है तो ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए इफ तीन नंबर का, तीन नंबर में क्या कह रहा है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है सबसेट है बी के, ठीक है, तो ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए भी सबसेट होगा किसका, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का, ये चीज समझ लीजिए। ये ऐसे उतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ए क्रॉस ए जो है, ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए जो है सबसेट है बी का, मतलब बी का ही कुछ पार्ट अगर ए है, तो ए और ए का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का सबसेट होगा, ठीक है ना, क्या होगा वो सबसेट होगा, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी था। अगर ए बी का सबसेट है तो ए क्रॉस सी भी सेम टू सेम उसी प्रकार है, ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी का, ए अगर सबसेट है बी का तो ए क्रॉस सी भी सबसेट होगा बी क्रॉस C
सी का देखो बहुत नॉर्मल है, ए पहले से ही बी का सबसेट था, इसमें ए सी का मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी सी का मल्टीप्लाई कर दिए, तो कोई चेंज होगा? नहीं होगा। देखो एक जो है वो लेस देन है दो से, अब इसको भी कर दिए दो से मल्टीप्लाई, इसे भी कर दिए दो से मल्टीप्लाई, तो ये बीच वाले में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा ना। ये सबसेट पहले से था, ये ए था ये बी था, इसमें भी सी से गुना कर दिए, इसमें भी सी से गुना कर दिए, तो इसमें कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। वही चीज़ है यहाँ पे दिया हुआ, छठा प्रॉपर्टी, सॉरी चौथा प्रॉपर्टी में। पांचवा देखो, ए अगर सबसेट है बी का और सी सबसेट है डी का, तो ए सी सबसेट होगा बी डी का। देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, ए अगर जो सबसेट है बी का और सी सबसेट है डी का, ए सबसेट है बी का और सी सबसेट है डी का, तो क्या होगा? ये वाला पांचवा बता रहा हूँ, पांचवा प्रॉपर्टी जो है ये वाला, ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। इसे याद रखिएगा, ए बी का सबसेट है और सी डी का सबसेट है, ए और सी का क्रॉस बी डी का क्रॉस के सबसेट होंगे, ठीक है ना? ए सी जो है सबसेट होगा बी और डी के, बी और डी का जो प्रोडक्ट होगा उसका। समझ में आ गया? ए बी का सबसेट है, सी डी का सबसेट है, तो ए सी का प्रोडक्ट बी डी के प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ये कैसे हुआ वो समझिए। देखिए ए बी का सबसेट है, बीच में सबसेट है, सी डी का सबसेट है, बीच में सबसेट है, तो बात खत्म है। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीच में यहाँ पे प्रोडक्ट लगाओ, यहाँ भी प्रोडक्ट लगा दिए दोनों साइड, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। छठा फॉर्मूला ये वाला देखिए, अब छठा देखिए यहाँ पे है, फॉर एनी सेट ए बी सी डी के लिए, चार सेट है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन डी के, ए क्रॉस बी एंड इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी जो है वो क्या होगा? बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के, बराबर होगा, बस यही बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सही तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो ए इंटरसेक्शन बी है, क्रॉस है, बी इंटरसेक्शन डी है, तो अब इस को जब करोगे आप लोग, ये देखो बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी और बीच में सबका लगेगा सबसेट। देखो अगर इसको इसके साथ किए तो ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ देखो एक मिनट, ये सी है ना, तो इसको इसके साथ किए तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और क्रॉस है तो क्रॉस एक कॉमन आ गया, इसका इसके साथ किए अब तो बी इंटरसेक्शन, ये वाला बीच वाला इंटरसेक्शन डी, तो इससे ये निकल सकता है, उसी प्रकार इससे ये निकल गया। अब इसको इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो ये वाला बीच में, ये वाला एक जगह यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये आ जाता है और इससे ये आ जाता है, दोनों एक दूसरे से आ जाएगा। सात नंबर भी उसी प्रकार है, कुछ देख सकते हो आप लोग, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल टू ए बी का इंटरसेक्शन प्रोडक्ट ऑफ बी सी का, बी ए का, और ये वाला फिर उसी प्रकार है, तो आप लोग इसका जो है पीडीएफ देख सकते हो, सेम टू सेम उसी तरह है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, ठीक है। एक लास्ट का है, ए बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैविंग एलिमेंट एन, ए बी एंड बी ए हैव एन स्क्वायर एलिमेंट, इस चीज़ को समझ लो एक बार। कह रहा है कि ए और बी टू नॉन इम्पेटी सेट है जिसके पास एन एलिमेंट है, जिसके पास क्या है? एन एलिमेंट है, बहुत देखो ए और बी दो सेट है, ठीक है, ए में भी कितना एलिमेंट है? एन, बी में भी कितना एलिमेंट है? एन, दोनों सेट है, ये सेट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, इसमें भी एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी बराबर कितना एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी में? तो हम जानते हैं एन इंटू एन,
यानी कि एन स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और b क्रॉस a में कितना एलिमेंट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, b में भी n एलिमेंट है, a में भी n एलिमेंट है, यानी कि n स्क्वायर होगा, बस हो गया, यही चीज़ लास्ट में दिया हुआ है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि कैसे क्या होता है। अब एक सवाल है, इस सवाल को मैं सॉल्व करवाना चाहूँगा आप लोगों को, कि लेट a एंड b बी द टू सेट्स सच दैट a क्रॉस b कंसिस्ट सिक्स एलिमेंट्स इफ इफ थ्री एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आर इतना इतना इतना। कह रहा है कि ए बी कोई दो सेट है, ए क्रॉस बी में छह एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है, छह एलिमेंट है, जिसमें कि ए क्रॉस बी का कुछ एलिमेंट दे रखा है, पहला 1.4, दूसरा 2.6 और तीसरा 3.6, ये दे रखा है और कह रहा है बाकी का क्या होगा। तो देखो हमें ए में एक एलिमेंट, देखो एक एलिमेंट ये दो और एक ये तीन, तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, पहला वाला देखो इधर है ए, तो पहले वाला में ही ना ये होगा, पहला वाला ही ना ए का एलिमेंट होगा, तो एक दो और तीन। अब बी में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो बी में हो जाएगा आपका 4 और 6, ये दो एलिमेंट हो जाएगा। अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 1, 4, 1, 6, फिर 2, 4, 2, 6, फिर 3, 4 और 3, 6, ये आएगा। तो इनमें से ए क्रॉस बी बराबर ये है, नहीं है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में दो एलिमेंट है, दोनों इक्वल है ही नहीं। मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के कभी इक्वल नहीं हो सकता है, कब होगा, जब ए बराबर बी होगा तभी होगा। तो यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हाँ ये देखो ये वाला सही है, ये तो बिना सॉल्व किए भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि देखो ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ये तो अपने पास क्या है, ये तो अपने पास प्रॉपर्टी ही है, मैंने बताया ही था थोड़ी देर पहले, इसका बी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। तो ये उसका सॉल्यूशन गिवन है, आप लोग देख सकते हो, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा आश्रम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिल जाएगा आपको अगला दिन। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।